मेरी यूट्यूब फैमिली तमाम मेम्बरान को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम दुआएं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाए आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त मैं करने लगी हूँ अपने किचन का काम शुरू, और सबसे पहले गूंथ लूँगी आटा और फिर बनाएंगे हम आज कढ़ी, क्योंकि रोज़ रोज़ गोश्त खा खा के दिल ख़राब हो चुका है। अब दिल चाह रहा है चटपटी सी कोई चीज़ हो, चटपटी दाल या कोई सब्ज़ी। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मज़ेदार कढ़ी है, तो आज बनाएंगे कढ़ी। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। तो हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और माशाल्लाह मेरे पौधे के अपने कढ़ी पत्ते के पौधे को मैंने बांध दिया है, एक पौधे को दूसरे पौधे से बांध दिया है कि ना टूट ना जाए। तो देख सकते हो माशाल्लाह मेरा फूल भी कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, पहले आटा गूंथ लेते हैं। देखें आपको दिखाती हूँ, इस तरफ से काली काली घटाएँ आ रही हैं। अब देखें जब मेरे अल्लाह का खूब मगर जब भी बारिश शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, बूंदाबांदी हो रही है कल से, कुछ कुछ बूंदें आ रही हैं फिर ख़त्म हो रही हैं, फिर आ रही हैं फिर ख़त्म हो रही हैं, फिर यहाँ से काली काली घटाएँ आ रही हैं। मेरे अल्लाह के खूब के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता, जब मेरे अल्लाह का खूब होगा तो बारिश हो जाएगी। तो बस मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से कि दुआ करें ये बारिश सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, सबके लिए आफियत की बारिश हो, खैर खैरियत की हो, खैर खैर को भी से अल्लाह पाक करे बारिश आए। और अल्लाह पाक सबको अपने जुमान अपनी अपने साए में रखे, सबको बिजली से करंटों से और हर बुरी चीज़ से बचाए हम मुसलमानों ने। तो चले फिर अपना काम शुरू करते हैं, अल्लाह पाक के हवाले सब। तो पहले गूंथ लेते हैं आटा, फिर रख लेते हैं ऊपर कढ़ी। चले फिर आटा गूंथ लेते हैं, फिर कढ़ी का सामान मिक्स करके कढ़ी पर रखते हैं। आटा गूंथ लिया है, अब रख लेते हैं कढ़ी। तो चलें फिर कढ़ी का मिक्सर तैयार करते हैं, फिर कढ़ी बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक किलो से ज़्यादा दही है, और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये माशाल्लाह किलो बेसन है। तो हरी पाउडर मसाले इसमें हाफ छोटी चम्मच हल्दी की, कढ़ी में हल्दी ज़्यादा जाती है, और डेढ़ चम्मच नमक, दो चम्मच कुछ धनिया, और एक बड़ी चम्मच भर के सुर्ख मिर्च की। तो पहले दही डाल लेते हैं, फिर उसके बाद लहसुन अदरक पेस्ट भी डाल देते हैं, कुछ मसाले भी डाल देते हैं, और फिर बेसन भी डाल दें, फिर आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें पहले मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बचाऊँगी क्योंकि मीठी ना लस्सी बनाऊँगी। चलें बीच में डाल दूंगी माने रही पाउडर मसाले, और बीच में डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। हर चीज़ मैं ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, नीचे नहीं रखती। और अब मैं ना पहले बेसन इसमें डाल के घोल लेती हूँ, फिर इसमें मिक्स करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। एक चम्मच ये एक मग्गा भर के डालती हूँ इसमें माने रही हूँ, और दूसरा भी मग्गा तकरीबन पौना कप ये डाल देते हैं इसमें दही में। इसको पानी में अलग में वो कर लूँगी मिक्स, इंशाल्लाह इसके बना लेंगे पकौड़े। ग्रास बोलते हैं मसाला काट देती है, फिर पकौड़े में का मसाला बना के अभी से रख देते हैं। दही को मैंने फेंक लिया मसालों समेत, लहसुन अदरक भी डाल दिया, और ये देख सकते हैं बेसन भी मैंने फेंट लिया पानी में। तो अब डाल देते हैं इसमें देशियाँ, देशियाँ मैंने रख दिया माशाल्लाह से। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले डाल दूँगी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बर्फ डाल बर्फ बनी हुई है दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल देते हैं पानी और डालते हैं, पानी कम है तो कड़ी में मसाला पानी मैंने डाल दिया, और इसके नीचे आग भी जला दिए, आग कर दूँगी तेज़ और चलाऊँगी चमचा। माने ही अब चलाते हैं इस पर चमचा।
जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कढ़ी में बॉयल आ चुका है और इसको हम कर देंगे नीचे। आग मैंने कम कर दी वैसे भी और भी कम कर देती हूँ। और अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पर रख देते हैं। ये देखें बॉयल आ चुका है माशाल्लाह से। आग को कर देते हैं और भी हल्का। बॉयल आ चुका है, अब इसको हल्की आंच पर रख देते हैं। बस पकती रहेगी जब पक पक के गाढ़ी हो जाएगी फिर इसको तड़का लगा लेंगे और पकौड़े बना के इसमें डाल लेंगे। तो चलें फिर अब मैं ऐसा करती हूँ, इसको हल्की आंच पर रख देती हूँ और जाके बंद करके आती हूँ तोतों को। ऐसे तोते शोर मचा रहे हैं ना। चलें फिर मिलती हूँ आपसे। ये बेसन है और इसमें मिला रही हूँ ये मसाले, 1.5 चम्मच वो कुटी हुई मिर्च, 2 चम्मच कुछ धनिया और 2 पिंच हल्दी और तकरीबन छोटी चम्मच जो है वो 1/2 चम्मच मीठा सोडा और 1 बड़ा चम्मच भर के नमक का। बिस्मिल्लाह ये मिला देते हैं इसमें और इसके बाद अब हरे मसाले भी काट लेते हैं, वो भी मिला देते हैं। आलू, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना। चलो हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और प्याज बेसन में डाल लेते हैं और उसको मिक्स करके रख देते हैं। 1/2 घंटे बाद पकौड़े बनाते हैं। चाट मसाले भी डाल दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बेसन में मैंने सारा घोल के रख लिया है। 1/2 घंटे तक इसको पकौड़े बना लूँगी। और अब बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ, तवा मैंने रख लिया और रोटियाँ बना रही हूँ। चावल भी बनेंगे, रोटियाँ भी बनेंगी। कुछ लोग चावल खाएंगे और आपको पता ही हम लोग शौकीन हैं, हम चावल खाएंगे और साथ में इसलिए रोटी खानी भी रोटी खाएंगे। और कड़ी माशाल्लाह से मेरी हो चुकी है तैयार, तो इसको कर देती हूँ बंद, क्योंकि जब इसमें पकौड़े डालेंगे ना तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। और फिर तड़का लगाऊंगी, फिर आपसे शेयर करूंगी। ये थोड़ी देर और पकती रहे। चलो रोटियां बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रोटियां मैंने बना ली हैं। अब मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी और फिर तड़का आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर बना लेते हैं पकौड़े। चलो फिर बनाते हैं तड़का। बिस्मिल्लाह डाल देते हैं इसमें जगह पेस्ट और साथ में डाल देते हैं सिर्फ पाली डोडो मिर्चे, क्योंकि मैंने धो लिया अच्छी तरह वाश कर ली, क्योंकि ये ना इनके अंदर मिट्टी होती है इसलिए। ये थोड़ा ब्राउन हो गया ना इसको डाल देते हैं कड़ी पत्ता। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया, अब डाल देते हैं कड़ी पत्ते। जैसे लहसुन जो मैंने लिया हुआ ना वो आ जाए, छः से 7 अदरक कड़ी पत्ते डाल देते हैं, इनको भी हिला लेते हैं। और अब आखिर में डाल लेंगे ज़ीरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा तड़का हो चुका है तैयार और कंप्लीट। अब डाल देते हैं इसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कड़ी में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
तड़का लग चुका है, बना लेते हैं पकौड़े। एक तरफ बना लेते हैं चावल, एक तरफ बना लेते हैं पकौड़ा। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। चले फिर कढ़ाई रख लेते हैं, पकौड़े बनाते हैं। एक तरफ बनाते हैं चावल, एक तरफ बनाते हैं पकौड़े। माशाल्लाह से हमारे चावल भी बन चुके हैं। कढ़ाई मैंने रख दी ऊपर, ऑयल डाल दिए और चलो उसके ऊपर दम लग रहा चावलों को। ऑयल गर्म हो रहा है, फिर पकौड़े बनाती हूँ और सलाद भी बना लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। चलो फिर पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े मुझे फिर रोज़े याद आ गए माशाल्लाह से। रोज़ों में रोज़ों ना पकौड़े बन जाए। बस अल्लाह का सलामत रखे सबको माशाल्लाह। फिर रोज़े आएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह का खुशियों को दिन लाएंगे। फिर इसी तरह माशाल्लाह से रोज़ा फिर बनाए जाएंगे। इसको निकाल लेते हैं ना छोटे वाले पकौड़े, तो इसके बाद में इसमें ये जगह खाली है ना, यहाँ डाल देते हैं। बस बेसन देखिए माशाल्लाह से पूरा 1 किलो के करीब बेसन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब मशरूम कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी भी ज़्यादा बनाते हैं, पकौड़े भी ज़्यादा बनाते हैं। अभी तो मैं छोटे दचके में बनाई है, बड़े दचका नहीं, उसमें भर के बनाती थी पहले जब मैं वहाँ रहती थी साइड एरिया में। वहाँ पर ये होता था कि वो थे उनकी चची भी साथ होती थी ना, बिस्मिल्लाह शुमरोज की मामा, उनको भी दिया करती थी। तब हम ही होते हैं यहाँ पर हैं मेरे एक दो जानने वाले, उनको दे दूँगी। काफ़ी बहुत सारा ये भी दचका माशाल्लाह भरा हुआ है। पकौड़े ज़्यादा बनाते हैं, वैसे भी खा लेते हैं बच्चे, कड़ी में भी डालते हैं। कभी मैं सोच रही थी बनाऊं लेकिन बस बना ही नहीं सकी, मसरूफियात थी, तो आज मैंने कहा चलो बनाते हैं। गोश्त एक दिन पकाया ना दूसरे दिन यकीन करें दिल नहीं जाता गोश्त खाने का, चाहे वो मटन का हो चाहे वो चिकन का हो। और बीफ का हम लोग हमारे घर में नहीं आता, हम लोग नहीं खाते। हाँ कुर्बानी में खाते हैं जब होती ना, फिर खाते हैं, क्योंकि मतलब गाय का मतलब काटी वो उसका या बकरे का तो खाते ही, चिकन का खाते हैं माशाल्लाह ज़्यादा। लेकिन एक दिन पका हो गोश्त का दोबारा मेरा दिल ख़राब होता है। हम ये कहते ऐसी कोई चीज़ बनाओ चटपटी सी ना, कड़ी याद आ रही थी मुझे, चलो कड़ी बना। मेरी बेटी अल्लाह ज़िंदगी जाएगी ना, अंबर को भी खुश होगी। चलो अभी बन जाते हैं, फिर दिखाते हैं। पहले पकौड़े मैंने निकाल लिए, मैंने डाल दी है कड़ी में, दूसरी बार निकाल दी बिस्मिल्लाह डाल देंगे कड़ी में, और फिर ना कुछ पकौड़े बाहर रखे हुए तो बच्चे ऐसे भी खाते हैं ना। डाल दूँगी कड़ी में, अब और डाल देती हूँ। चावल जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, और इतने लंबे लंबे चावल हैं माशाल्लाह से, और एक दाना दाना अलग अलग हुआ हुआ है। बहुत ही मज़ेदार चावल है, खुशबू खुशबू फैली हुई है। तो चलें फिर पकौड़े बन जाते हैं, फिर बैठ के खाना खाते हैं सब मिल के और आपके साथ शेयर करते हैं। खाना हो चुका है हमारा तैयार, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कड़ी तैयार हो चुकी है, चावल भी और सलाद भी, और ये पकौड़े मैंने अलग से निकाले हैं कि जिसने खाना हो ये खा लें। तो अब डाल लेते हैं चावल भी कड़ी भी, फिर बैठ के खाते हैं खाना। चलिए देख सकते हैं, आप देख सकते हैं खाना हो चुका है हमारा तैयार माशाल्लाह से। चावल भी हमने निकाल लिए हैं प्लेट में,
और कड़ी भी निकाल ली है और सलाद भी तैयार है। तो अब बैठ जाते हैं खाना खाने, जिस उसको भूख लगी है वो खाना खा ले। तो कड़ी को देखिए किस चीज़ के मुँह में पानी आ रहा है। तो जो हमारे साथ बैठ के खाना खाना चाहे आ सकता है और खा भी सकता है। तो मैंने बहुत ही सादा और आसान तरीके से बनाई है कड़ी, बहुत ही आसान तरीके से बनी है। तो आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, तो बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैं चाहती हूँ इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, उस तक के लिए इजाज़त चाहूँगी।